हाय गाइस, सॉरी इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं करने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ी डिप्रेस्ड थी। जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि मेरा एग्ज़ाम था GIC का, और मैंने शायद किसी भी एग्ज़ाम के लिए इतना प्रिपरेशन नहीं किया होगा जितना मैंने इस एग्ज़ाम के लिए किया था। और जब पेपर देखा तो होश उड़ गए, समझ ही नहीं आया कि पेपर कहाँ से आया। नॉर्मली जैसे मैं PGDE का एग्ज़ाम दे के आई थी ना, तो यूट्यूब में इतने सब फास्ट हैं कि आंसर की सेम डे आंसर की आ जाती है। तो इस वाला ये वाला जो एग्ज़ाम हुआ है ना, इसकी GS की आंसर की तो दे दी सबने, वो भी गलत सलत दी। कोई जो चैनल वाला है वो कोई आंसर बता रहा है और जो दूसरे हैं वो अलग आंसर बता रहे हैं। तो अभी भी उसमें भी मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि कौन सा करेक्ट है। और जो मेरा सब्जेक्टिव था जो कि सोशियोलॉजी था, उसकी आंसर की अब भी तक नहीं आई। मतलब इतने पढ़ाने वाले हैं ना यूट्यूब में, इतने पढ़ाने वाले हैं, लेकिन अभी तक वो उसका आंसर नहीं निकाल पाए हैं। वो खुद ही कंफ्यूज्ड हैं। और ये तो ऐसे ही हो गया एग्ज़ाम, पता नहीं क्या होना है इसमें, नहीं होना है, नहीं होगा। जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था एग्ज़ाम में, तो फिर क्या कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस वजह से वीडियो नहीं डाल पा रही थी, बहुत टेंशन में हूँ। अभी मेरा अक्टूबर में ही फर्स्ट और सेकेंड वीक में एक एग्ज़ाम है जो मैंने GRF के लिए डाला था, और फिर जो बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है वो मेरा नवंबर में है, मेन एग्ज़ाम। तो लेकिन मैं ट्राई करूँगी, नहीं ज़्यादा बड़े वीडियो तो नहीं, मैं छोटे वीडियो डालूँगी। फ़िलहाल मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों से मिल लूँ और आप लोगों को लगे मैं ठीक हूँ। आज मैं इस वीडियो में ज़्यादा कुछ खास नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, अगर आप रील्स देखते होंगे या यूट्यूब शॉर्ट्स देखते होंगे तो आपको पता होगा कि एक आईलाइनर हैक चल रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं भी उस चीज़ को ट्राई करूँ, तो और आप लोगों के सामने ट्राई करूँ, तो आप लोग भी देखो कि ये कितना ठीक है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं, अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिर उसके लिए कैमरा सेट कर लेती हूँ, और आप भी देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, आपको भी पता लगेगा कि ये ठीक है, इससे होता है, अच्छा है कि नहीं है। ओके ओके, तो मैंने कैमरा को सेट कर लिया है, लाइट भी लगा लिया है जिससे कि क्लियर दिखे, और थोड़ा जूम है। और आज मैंने मेहंदी लगाई थी, तो जिस वजह से बाल थोड़े से अच्छे दिख रहे होंगे। मैंने शैम्पू नहीं किया है, करूँगी कल या परसों में करूँगी। God, look at my face. Stay, man. ये ब्लैक कलर ले रही हूँ।
फाइनली। अभी मैं इसको रिमूव करने जा रही हूँ। Interesting. मैंने ये फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत इजीली हो गया है, लेकिन ये है कि हम जब कभी बाहर जाते हैं तो हम ये सब नहीं कर सकते हैं ना, टेपिंग। मुझे तो ठीक ही लग रहा है, आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। आप लोग देख लीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा सा और इसमें करेक्शन करूँ। बताइए आप लोग कैसा लगा? कुछ शेप में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, लेकिन ठीक है, बिगनर्स के लिए तो ठीक ही है, अच्छा है, और मुझे ओवरऑल ठीक लगा। थम्स अप फॉर दिस, नाइस ना। मुझे एक्चुअली बोल्ड आइज़ बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं ज़्यादातर अपनी आईज़ को बोल्ड इफेक्ट ही देती हूँ, क्योंकि आपने मेरी पिक्चर्स में देखा होगा इंस्टा पे या कहीं पर भी। तो मैं जब भी काजल तो मेरा फेवरेट है, वो उसके बिना मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, और लाइनर भी मैं थोड़ा सा बोल्ड थिक ही लगाती हूँ जानबूझकर ही, मुझे अच्छा लगता है।
फ़िलहाल आज के लिए तो इतना ही। हाँ, लेकिन अगर इस तरह से कोई भी आप देखते हैं कोई भी मेकअप हैक, तो मुझे शेयर कीजिएगा ज़रूर इंस्टा पे, तो मैं उसको आप खुद पर अप्लाई करके दिखाऊंगी आप लोगों को। और भी मैं वीडियोस लेके आऊंगी जैसे जैसे मैं फ्री होंगी। आजा, और ये देखिए कौन आया, ये कौन आया, ये टकलू आया। टकलू विवान कौन है, ये कौन है? अच्छा विवान, सुनो विवान कितना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा, ये अच्छा ताली बजा दो, क्लैपिंग कर दो, ये शो स्वीट, बाय कर दो, शिबा बाय बाय एवरीवन, लव यू लव यू, ओ लग गया, शिबा बाय, बाय कर दो, बाय बा, बा। तो फिर आज के लिए इतना ही, और मुझे बताइएगा ज़रूर इंस्टा पे, ज़रूर मुझे शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। ओके डन, बाय बाय।